yourself around. और एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 12 दिन पूरे करने जा रही है। और इन 12 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर से कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस फिल्म का दोस्तों ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है और क्या ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाई है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी जूनियर एनटीआर और रामचरण के डाहाट फैंस हैं और एसएस राजामौली सर की फिल्म ट्रिपल आर के लिए एक्साइटेड थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ट्रिपल आर जो कि 1920 के दो स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीता राजू के ऊपर बनाई गई एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आपको दोस्तों जूनियर एनटीआर और रामचरण जैसे दो सुपरस्टार्स के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आने वाली है, जिसे कि लगभग 450 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनाया गया है। दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म विजुअली तो काफी बेहतरीन है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी ऑडियंस के दिलों पर छा चुका है। अपने पहले ही दिन से दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ ही चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई आज तक की जितनी भी 2-3 हजार फिल्में हैं सभी के रिकॉर्ड्स ये फिल्म तोड़ चुकी है। अपने पहले दिन दोस्तों 223 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में 730 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर ली, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और इस फिल्म ने दोस्तों बाहुबली 2 के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस को तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने पहले ही हफ्ते में पीछे कर दिया है। और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ट्रिपल आर के लिए ऑडियंस के बीच में जो बस था वो किस लेवल का था। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले हफ्ते 730 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब रही है। और अपने 8वें दिन जहां इस फिल्म ने दुनिया भर से 45 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म ने 65 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की। अपने 10वें दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 78 करोड़ रुपए, जिससे कि इस फिल्म का अपने शुरुआती 10 दिनों का ऑल ओवर वर्ल्ड से जो टोटल कलेक्शन था वो 910 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था, जिसमें दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को ग्रॉस में पार कर चुकी थी। तेलुगु में दोस्तों ये फिल्म 350 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो भी लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर तो बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है, लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म को बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए 512 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तमिलनाडु में बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। वहीं दोस्तों कर्नाटक में इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो भी काफी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में ही 900 करोड़ की कमाई करके दिखा दिया कि साउथ के सामने अब बॉलीवुड की कोई औकात नहीं। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 11वें और 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जिस तरह का रेस्पॉन्स इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 11वें दिन मिला है, उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपने 12वें दिन भी मिला है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में आज भी शामिल नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि जहां अपने 11वें दिन इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया से और दुनिया भर से टोटल 33 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 12वें दिन दुनिया भर से लगभग 28 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर से 970 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी होगी। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के राइट्स काफी बड़े दामों पर बिके हैं, जिस वजह से दोस्तों ये फिल्म तेलुगु में तो एक हिट फिल्म बन चुकी है। अगर ये फिल्म तेलुगु में 40 करोड़ रुपए की कमाई और कर लेती है तो एक सुपर हिट फिल्म बन जाएगी। और अगर दोस्तों इस फिल्म का कलेक्शन 80 करोड़ से ज्यादा का तेलुगु में और हो जाता है तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए 230 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। ये फिल्म दोस्तों आज के कलेक्शन मिलाकर 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। अब इस फिल्म को दोस्तों 30 करोड़ रुपए और चाहिए और
ये फिल्म हिंदी में भी एक सुपर हिट फिल्म साबित हो जाएगी। कर्नाटक में दोस्तों इस फिल्म को हिट का स्टेटस मिल चुका है। तमिलनाडु में भी इस फिल्म को हिट होने के लिए अभी भी 15 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। वही दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर बात की जाए तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी है। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म 1100 करोड़ की कमाई करके एक सुपर हिट फिल्म बन पाती है या नहीं, और 1300 करोड़ की कमाई अगर ये फिल्म कर लेती है तो ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, RRR वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर